viewers, welcome back to the channel Accounts Be Easy. So I hope you all are safe and fine at your homes. So without wasting time, let's get started. So guys, this video is very important because in this video we will discuss a formula. It's very important. So first one is cost of So guys, that's the first formula, cost of goods sold. What's ये बहुत important questions हैं जो question में 1 or 2 marks में पूछ लिए जाते हैं. तो first अभी को बोल रहा है ये formula है cost of goods sold का formula है opening stock जो हमारा open करने में time पे हम use करते हैं opening stock plus purchases में आप क्या करेंगे net purchase में से माइनस करना है परचेज रिटर्न. ठीक है, तो ये आपका नेट परचेज है. पहले ओपनिंग स्टॉक उसमें ऐड करते हैं नेट परचेज निकालते हैं, परचेज में से हम माइनस करते हैं परचेज रिटर्न और फिर प्लस करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको बताए थे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं और फिर क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं. सो गाइज, ये आपका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का. अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को. तो ये आपका है सेकेंड फॉर्मूला अडजस्टेड परचेज में क्या है देखिए, अडजस्टेड परचेज इक्वल्स टू नेट परचेज मैंने को बताया था परचेज में से माइनस करेंगे परचेज डन तो नेट परचेज निकलेगा, प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक. इसमें हमारा इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आए, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस थे. ठीक है, सो ये क्लियर आपको. थर्ड फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट. ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट. अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो हमें सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा. COGS क्या है, तो COGS है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर करा था. ये देखिए यहाँ पे क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यही हमारा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट. अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है सेल्स में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. ठीक है, थर्ड फॉर्मूला इज ऑल्सो क्लियर. देन फोर्थ फॉर्मूला आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही बना सकते हैं. आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को आके लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के दो फॉर्मूले हो जाएंगे. एक तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, एक तो ये वाला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का है, ये बिग फॉर्मूला है. और स्मॉल फॉर्मूला अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इधर लाएंगे तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा और सेल्स ऐसे कैसे ही रहेगा, यहाँ पे सेल्स है तो सेल्स और ये प्लस में है ग्रॉस प्रॉफिट तो इधर जाके माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट. तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का बड़ा फॉर्मूला यूज करना है तो बड़ा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्मॉल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. लाइक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ये स्मॉल फॉर्मूला है और अगर आपको बड़ा फॉर्मूला यूज करना है तो बड़ा फॉर्मूला यूज करें. अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट एक्सपेंस ना दे रखे हो, ओपनिंग स्टॉक ना दे रखा हो, तो आप सेल्स दे रखे हो, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखे हो, तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये चारों फॉर्मूले क्लियर होंगे. तो चलो हम इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. सो गाइज, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वहां से क्वेश्चन देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको दिख रहा है वैसे आप देख लीजिए. उसके बाद हमें इसमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर गिवन है असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द फॉलोइंग. तो इसमें हमें सारे एक्सपेंसेस गिवन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस, डायरेक्ट एक्सपेंसिस, सेल्स भी दे रखा है, नेट सेल्स, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री. तो सबसे पहले हम इसमें कौन, सो क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है तो आपको इसमें ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है. देखिए आपको इसमें ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, परचेज भी दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखे, क्लोजिंग स्टॉक. तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं. ये वाले में हमें सेल्स दे रखी है बट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. ओके, तो चलो इस फॉर्मूले को लिखते हैं.
सो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें उसने ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 16,000, एड करेंगे नेट परचेजेस। नेट परचेज कैसे निकालेंगे, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है नेट परचेजेस 72,000, ऑलरेडी गिवन है तो 72,000 लिखेंगे। इसमें हमें कंफ्यूज करने के लिए रिटर्न इनवर्ड्स भी दे रखा है, बट आपको रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड का कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। फिर प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस में आपको दे रखा है, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में 18,600, तो उसे भी करेंगे और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 28,000। तो अगर हम 28,000, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे इन तीनों को और इन तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे 28,000, तो हमारा आंसर आएगा 78,600। सो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। ये होते तो बहुत इजी हैं, ये वेरी इजी क्वेश्चंस हैं, बट पेपर में आ जाते हैं और बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस अब हम आपको एक और क्वेश्चन देखें, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन स्क्रीन पे, आप उसका स्क्रीनशॉट तो दिख रहा है आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें नेट सेल्स दे रखा है, ईयर के 2011 में हमें सेल्स दे रखी है, 2011 की हमें सेल्स दे रखी है। सेल्स कितनी है, सेल्स हमें दे रखी है 2,85,000, ओके, एंड ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% है ऑन सेल्स, ठीक है। सेल्स हमें दे रखी है और ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप पहले इस क्वेश्चन में ऐसे लिख लीजिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर उसने पहले हम जीपी निकाले, क्योंकि पहले हमें कौन सा, देखो बड़ा वाला मेथड तो हम लगा नहीं सकते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, छोटा वाला मेथड लगा देंगे नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सॉरी, ये फॉर्मूला होता है ना आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का स्मॉल फॉर्मूला है ना, ठीक है। फिर आपको समझ आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हमें अगर मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, सेल्स तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, देखिए ये हमें गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकती हूँ, निकाल सकते हैं ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे पहले। तो देखिए जीपी इक्वल्स टू 25% ऑन सेल्स के ऊपर है गाइस, तो सेल्स हमें गिवन है, तो 285,000 में निकालेंगे तो हमारा जीपी कितना आ जाएगा, जीपी आ जाएगा 71,250, ठीक है। अब आप इजीली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू सेल्स कितनी है 285,000 माइनस जीपी 71,250 इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2,13,750, ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओके। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। सो अगर ये देखिए आपको क्वेश्चन पूरा स्टार्टिंग से दिखा देते हैं, ये आपको ऐसे लिखना है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए आप इस पूरे को नोट कर लीजिए। तो गाइस हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, आपको डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, आप इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए इस क्वेश्चन में नेट सेल्स दे रखी है 6,00,000, ठीक है, 6,00,000 नेट सेल्स दे रखी है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमें दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है, और हमें क्या क्या निकालना है, फाइंड वाली चीज आप साइड में लिख लीजिएगा। फाइंड क्या करने में, पहली चीज हमें क्या निकालनी है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, सेकेंड हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है, ठीक है। तो हम इसे एक वो कर लेते हैं कि हमें ये दोनों चीजें निकालनी है, ठीक है। अब क्या करना है गाइज, हमें ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बुक में कुछ अलग मेथड से दे रखा है, बट मैं आपको एक इजी ट्रिक बता रही हूँ, मैं आपको एक इजी ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप अच्छे से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इजी ट्रिक है, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कुछ कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में, बट मैं आपको एक इजी ट्रिक बता रही हूँ कि आपको आसानी से क्वेश्चन समझ आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको नेट सेल्स दे रखी है, जो भी चीज हमें गिवन होती है ना, आपको दो चीजें फोकस करना है, देखो एक तो सेल्स होती है, एक तो मैं आपको रफ पेज पे समझाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा अच्छे से। सो गाइस देखिए अगर आपको दो चीज पे फोकस करना है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझिएगा, पहले आपको सेल्स और सेकेंड आपकी कॉस्ट, आपको सेल्स गिवन है तो आप सेल्स को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है ना, और
जो चीज आपको गिवन नहीं है, जैसे दोनों में से आपको एक चीज गिवन होगी और एक चीज आपको गिवन नहीं होगी. लाइक एग्जाम्पल, अगर आपको सेल्स गिवन है तो आप सेल्स ऊपर लिखेंगे और कॉस्ट को बाहर लिखेंगे. ठीक है, ऐसे लिखना है, कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स को ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या करना है आपको, 100 में नीचे आपको हमेशा 100 लेना है, यहाँ पे 100 में प्लस करेंगे परसेंटेज. आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा 20%, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है 25%, तो 25 दे रखा है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन 20 दे रखा होगा, तो 20 हमेशा ऐड करेंगे. ठीक है, जो चीज हमें गिवन होती है उसे हम ऊपर लिखते हैं. कॉस्ट या सेल में से कोई भी चीज गिवन हो, लाइक आपको कभी सेल्स गिवन होगी कभी कॉस्ट गिवन होगी, बट एक चीज गिवन होगी एक नहीं होगी. तो इस क्वेश्चन में आपको सेल्स गिवन है लाइक एग्जाम्पल, तो आप सेल्स को ऊपर लिख लेंगे और कॉस्ट को बाहर लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, 100 में प्लस कर देंगे 20 को. ठीक है, 100 आपका हमेशा सेम रहेगा बट 20 आपका परसेंटेज चेंज होता रहेगा. लाइक इसको इसमें तो मैंने 20 अज्यूम किया है बट क्वेश्चन में 25 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, फिर आप इसको ऐड करके आप इसको करेंगे और लास्ट में फिर आपको इसको मल्टीप्लाई भी करना है 100 से और फिर आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी आसानी से आ जाएगी बस. ठीक है, समझ आ गया आपको ये वाला मेथड जो मैंने आपको समझाया. अगर आपको नहीं समझ आया तो ये क्वेश्चन भी करते हैं ये वाला, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. चलो तो देखते हैं. सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एक चीज गिवन होगी एक नहीं, इसमें आपको दो चीज देखनी है बस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स. कॉस्ट मैंने कहा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स में से एक चीज देखनी है आपको, तो इसमें आपको सेल्स गिवन है तो सेल्स को मैं लिखूंगी ऊपर. ठीक है, और यहां बाहर लिखूंगे कॉस्ट और नीचे क्या लिखेंगे 100, उसमें प्लस करेंगे. ठीक है, मैंने कहता था ऊपर सेल्स लिखेंगे नीचे 100 और उसमें प्लस करेंगे जितनी परसेंटेज हमें गिवन में होगी क्वेश्चन के अंदर. इस क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पे 25 गिवन है तो हम यहाँ पे 25 इसमें ऐड कर देंगे. ठीक है, तो कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स कितने गिवन है, 6 लाख अपॉन 125. मैंने बताया था इंटू में 100 करना, बिल्कुल मत भूलिएगा, 100 ही करना है. ठीक है, 100 करेंगे तो कॉस्ट इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी हमारी इसको सॉल्व करने के बाद. फिर गाइज देखिए, फिर हमने इस कॉस्ट निकाल ली 4,80,000, फिर ग्रॉस प्रॉफिट तो निकल जाएगा, कॉस्ट निकल गई ना, यहाँ पे हम टिक लगा देंगे कि हमारी कॉस्ट निकल गई, तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे. और दूसरा हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल गया, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमने आसानी से निकाल लिया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया. सो गाइज आई होप आपको ये इजी ट्रिक बताई है मैंने आपको कि कॉस्ट निकालनी हो सेल्स निकालनी हो कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन में गिवन होता है एक नहीं होता, तो ये आपको आसानी से क्लियर होगी ट्रिक. सारे क्वेश्चन इस तरह होंगे, आप ट्राई भी करके देख सकते हैं. आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा, जितने भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसमें सारे फॉर्मुलेज मैंने आपको बता दिए हैं. अगर आपको दोबारा भी फॉर्मुलेज देखने हैं तो मैं आपको शो कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो गाइस ये सारा हमारे फॉर्मुले हैं, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये. सो गाइस बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. I hope you all can easily understand this topic, and if still have any doubt, so please write in the comment section freely. I will definitely give a reply. So please hit the and subscribe our channel and hit the like button and share the video as much as possible. Thank you so much, guys.